टीवी का फेमस शो केबीसी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले कर्मवीर स्पेशल में सोनाक्षी सिन्हा एक आसान से सवाल का जवाब नहीं देने की वजह से ट्रोल हो गई थी और लोगों ने उनका जमकर मजाक बनाया था। और अब सोनाक्षी के बाद बॉलीवुड के एक और एक्टर ने सोनाक्षी की इस तरह ही काम किया है और वो भी आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। केबीसी के कल के कर्मवीर स्पेशल में पानी बचाने के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता अमला रुइया आई थी। उनका साथ देने के लिए रणदीप हुड्डा कर्मवीर स्पेशल में पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से सोनाक्षी से पूछा गया था कि हनुमान जी किसे बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाए थे और इस आसान सवाल पर सोनाक्षी अटक गई थी, उसी तरह से रणदीप भी एक सवाल पर जाकर अटक गए। सोशल मीडिया पर रणदीप हुड्डा अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन जब शो में उनसे राजनीति से जुड़ा सवाल पूछा गया तो वो फंस गए और जवाब नहीं दे पाए। अमिताभ बच्चन ने रणदीप से अरुण जेटली से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। शो में अमिताभ बच्चन का सवाल था कि इनमें से कौन से पूर्व या वर्तमान कानून और न्याय मंत्री लोकसभा सदस्य के रूप में कभी नहीं चुने गए। ऑप्शन दिए गए थे रविशंकर प्रसाद, डीवी सदानंद गौड़ा, अरुण जेटली और कपिल सिब्बल। इस सवाल का जवाब था अरुण जेटली, लेकिन रणदीप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जबकि हाल ही में अरुण जेटली के निधन के बाद उनसे जुड़ी हुई कई बातें सामने आई थी। अरुण जेटली ने स्टूडेंट यूनियन के अलावा कभी कोई चुनाव नहीं जीता। यही नहीं, साल 2014 के लोकसभा चुनाव तक तो उन्होंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था। रणदीप हुड्डा और अमला रुइया ने इस सवाल के जवाब के लिए ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और इसके बाद उन्होंने इसका सही जवाब दिया। रणदीप हुड्डा और अमला रुइया 25 लाख जीतने में कामयाब रहे। जीती हुई राशि अमला रुइया के संस्थान को दी जाएगी जो पानी बचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। जब रणदीप हुड्डा हमेशा से राजनीतिक मुद्दों पर ट्वीट करते रहते हैं, उसके बाद भी उनका राजनीति का ज्ञान इतना कम निकला। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।